हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज। जाम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात कर रहे हैं एसएस राजामौली की आने वाली सबसे ज़्यादा इंतज़ार वाली फिल्म RRR की। बता दें कि COVID-19 इस महामारी ने सबसे ज़्यादा असर इसी फिल्म पे दिया है, क्योंकि इस फिल्म का इंतज़ार दर्शक काफ़ी दिनों से कर रहे थे और अब इस फिल्म के रिलीज़ डेट को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि फिल्म में आपको जूनियर NTR और रामचरण लीड रोल में नजर आने वाले हैं। न्यूज़ रिपोर्ट की माने तो अब फिल्म को लेकर कई नए अपडेट्स आने लगे हैं। SS राजामौली ने फिल्म को लेकर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म के कुछ गाने वो रिलीज नहीं करेंगे, यानी कि कुछ गानों को फिल्म में ना डाल के वो उसे एल्बम की तरह रिलीज करेंगे। जी हाँ, क्योंकि फिल्म की ऑलरेडी शूटिंग भी काफ़ी ज़्यादा बाकी है, तो शायद यही वजह होगी कि इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है, क्योंकि फिल्म के गाने तो इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन फिल्म की शूटिंग भी अभी काफ़ी बाकी है। तो पहले शूटिंग कंप्लीट की जाएगी और फिर गानों को एज अ एल्बम रिलीज़ किया जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं, और इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।